टिकटॉक पे वायरल माँ बेटे की जोड़ी, जो माँ है इनकी प्यारी अम्मी जान, हाथ में जूती हो और बेटे पे निशाना, ऐसी क्या वजह थी? ये ना एक दफा मैं बात नहीं सुनता ना, अपनी मर्जी से काम करना, फिर मैं जब उठाती हूँ जूती फिर ये सुनता है। और ये तो बचपन से पढ़ती आ रही है खाली। यार ये आपने क्या तस्वीर खींची है, पीछे कुत्ता आ रहा है, मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड करनी थी। ओहो तो क्या हुआ, आप ऊपर लिख देना आगे वाला मैं हूँ। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा खालिद। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे टिकटॉक पे वायरल माँ बेटे की जोड़ी से करवाने जा रही हूं, जहां पे जो माँ है इनकी प्यारी अम्मी जान ऐसे निशाने मारती हैं जो कभी चूकते नहीं हैं। हाथ में जूती हो और बेटे पे निशाना, क्या बात है। मुझे बताइएगा क्या आपको कभी बचपन में निशानेबाजी तो नहीं करती थी, जो आज तक निशाना नहीं चूका आपका? नहीं नहीं, निशानेबाजी नहीं करती थी, बस इस पे मैंने आजमाया, सारा कुछ सेट रह रहा है, इस पे ही बस पड़ती है इसको ही। अच्छा ऐसी क्या वजह थी जो आपको हर बार जूती ही उठा के इनको मारनी पड़ती है? ये ना एक दफा मैं बात नहीं सुनता ना, ये अपनी मर्जी से उठता है, अपनी मर्जी से काम करना, फिर मैं जब उठाती हूँ जूती फिर ये सुनता है। अच्छा, इसको आदत हो गई ना मेरी जूतियों की। अच्छा रजब, मुझे बताइएगा कि ये जूती खा के तो नहीं आइडिया आया कि चलो माँ से तो जूती रोज़ पड़ ही रही है, तो चलो दुनिया को ही क्यों ना दिखाया जाए मुझ पर कितना तशद्दुद हो रहा है। नहीं नहीं, जूतियाँ तो पहले से पड़ रही थी और ये तो बचपन से पड़ती आ रही हैं, खाली जूतियाँ ही नहीं है, काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके अंदर। ये दुनिया को पता लगा है, 7-8 माह हो गए हैं टिकटॉक बनाते हुए, जूतियाँ तो बचपन से पड़ती आ रही हैं। इकलौता बेटा है, जितना प्यार ज़्यादा मिलना चाहिए उतनी जूतियाँ ज़्यादा मिल रही हैं। ये एक अच्छी बात है, लड़के अगर इकलौते हो ना तो माँ को ना थोड़ी ज़्यादा सख्त होना चाहिए, कि बच्चे फिर हाथ से पहले निकले होते और निकल जाते। लड़के लड़कियाँ बड़ी अच्छी हैं, वो नहीं ऐसे कुछ भी करती लड़के। और मैं घर से नहीं निकला आज तक, और ये कहती हैं कि हाथ से निकला हुआ, हाथ से निकल जाते हैं इसलिए। अच्छा जिन माओं के इकलौते बच्चे होते हैं वो तो बहुत प्यार मोहब्बत से रखती हैं, पलकों पर बिठा के रखती हैं, आपने जूती के जोर पर रखा पलकों पर। इसको पूरा खाना ददिहाल में सारे चाचू फुफो लोग सब इसको पलकों पर बिठाते हैं, सारे ननिहाल में भी, सिर्फ एक मैं हूँ जो जूतियाँ मारती हूँ, क्योंकि मुझे मारनी चाहिए इसको जूतियाँ ना, इसको साथ दिलवाना पड़ता है काका जी उठो। अच्छा टिकटॉक का शौक आप दोनों में से किसको था? किसी को भी नहीं था शौक, मैं महीने बाद, मतलब मेरा जिम है, थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो कभी कभी वीडियोस लगा देनी टिकटॉक पे, महीने बाद लगा दी, 2 महीने बाद लगा दी, तो जस्ट एक रैंडम वीडियो ट्रेडमिल पे मैं और मेरा एक दोस्त था, ही इज़ अ लॉयर, तो हमारी एक टिकटॉक की वीडियो वायरल हुई, वो 1.3 मिलियन पे 24 घंटे में उसके ना व्यूज़ चले गए, तो वो अच्छा लगा, कॉमेंट्स बड़े अच्छे अच्छे आए। फिर 3-4 दिन बाद मैंने अम्मा के साथ वीडियो लगा दी, ऐसे ही अम्मा ने जूती मारी, वो उससे भी ज़्यादा वायरल हुई, तो वहाँ से जो है वो, अम्मा के पास तो फ़ोन है सिर्फ फ़ोन करने के लिए और बंद करने के लिए, अम्मा ने तो फ़ोन यूज़ ही नहीं किया ना, इतना ही आता है बस मुझे के। ना इनको यूज़ करना आता है और ना इनके पास है, तो मैंने रिक्वेस्ट की, मैं कहा मेरे साथ वीडियो बना लो, तो इन्होंने बना ली। इस बात पे जूता नहीं आया कि क्या कह रहे हो तुम? नहीं नहीं कुछ भी। अच्छा उनको उनका फेवरेट काम कहा था ना, मैंने उनको ये नहीं कहा कि आओ जी हम कोई डांस करते हैं या हम कोई अल्लाह माफ़ करे कोई लिपसिंग करते हैं, मैंने उनसे कहा जी, मैं कहा जी आपने अपना काम जो आप कर रही हैं ऑफ कैमरा वो आपने ऑन कैमरा कर देना, क्या मैं कहा जी जूती मार रही हैं आप? हाँ हाँ मार दूंगी, बस उन्होंने जूती ही मारी। यकीन करो मुझे ये भी नहीं पता था कि ये वाली वीडियो मेरे भाई भी देखेंगे, जो मेरा, मैं सबसे बड़ी, वैसे मैं उसको अपना बड़ा भाई कहती हूँ, वो मेरा भाई मुझे कहता है भट्ट साहब ये किस करो आप किस तरह चले गए हो नमाजी बंदे, मैंने कहा आपको कैसे पता, कहते वाह जी वाह वीडियो बना ली तानू है नहीं पता क्या किथे किथे पहुंची, नहीं पता कि वो हर चीज़ को ना एक ही टिकटॉक भी कहती हैं, यूट्यूब को भी टिकटॉक कहती हैं, फेसबुक को भी टिकटॉक कहती हैं, इंस्टाग्राम को भी टिकटॉक कहती हैं। मैंने बताया, मैं कहा अलग अलग प्लेटफॉर्म है सारे, अच्छा अच्छा सारी टिकटॉक नहीं, मैं कहा जी नहीं अलग अलग प्लेटफॉर्म है सारे। जब मेरे भाई ने कहा फिर मुझे पता चला कि ये मुझे लोग इतने देख रहे हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि इतने लोग देखेंगे, फिर मैंने कहा पावा तूने ये क्या किया, कहता माँ कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, मैंने कहा जब भाई ने पूछा फिर मुझे समझ आई कि ये मेरे भाइयों ने भी देख लिया है, मैं समझी इस तक कि मैं इसी चीज़ मुझे के लिए, इसी चीज़ के लिए मान गई थी, क्योंकि इनको पता था कि मैं ये मेरा फेवरेट काम है, इसकी बिस्ती करना, इसको जूतियाँ मारना, तो चलो ऑफ कैमरा तो मैं कर ही रही हूँ, मैं ऑन कैमरा भी कर रही हूँ, इसलिए मुझे मुश्किल नहीं लगी थी, जैसा हम लोग थे ना हम लोग वैसे ही थे, कोई पता नहीं चला, काम से बता रही ना इसलिए मुझे मुश्किल नहीं लगा, मैंने ऑफ कैमरा भी मार दी, मैं ऑन कैमरा भी मार दिया। जूती मारने में एक्सपर्ट, जैसे मैं शुरू में ही बता चुकी हूँ जूतियाँ, हाँ मेरे लिए कोई ज्यादा काम नहीं था, जूती मारना, इसको डांटना, इसको रोकना हो या ये ना कर वो ना कर, जिस तरह मैं बोलती हूँ, जिससे बिस्ती वगैरह वो सब रूटीन में, खाना ज़्यादा इसका तीनों टाइम इसकी ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें बननी है, गोश ये वो सब खाना पीना वो वैसे ही था,
कोई इतना ज्यादा नहीं था, गालियां ग्लोच कोई इतनी खास हमने स्ट्रगल नहीं की, जो हमारा ऑफ कैमरा चल रहा था वही हमने उसको पुट करके ऑन कैमरा कर दिया। वो लोगों को इतना पसंद आया, इतनी पॉजिटिविटी, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स, तो वही अभी 8 से 9 माह हुए हैं, काम चल रहा है शुक्र अल्लाह का, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। मेरी दादो ने इतना सा ना चांदी का पौधा माना हुआ था, बूटा पंजाबी में, जैसे मेरी दादी अल्लाह पाक मेरी पोती ने बच्चा दे तो मैं बूटा चढ़ावांगी मन्नत, वो अभी तक इतना इसका चांदी का वो बना के सेब लटकाए, बड़ा प्यारा। तो ये ना कुछ ज्यादा ही था, मुझे पता था इसने चोड़ी होने, और ये ज्यादा चौड़ हो गए, तीन चार मन्नतें थी जो बताने वाली है या नहीं। मेरे चाचू ने मन्नत मांगी थी कि अल्लाह मेरे भाई को बेटा दे, ठीक है, तो मैं अपने ये आईब्रोज, अपने बाल दाढ़ी सब क्लीन शेव करके तो मैं विपाक दमन जाऊंगा, विपाक दमन का पता ही होगा सबको। तो वो चाचू की किस्मत अच्छी उस साल में हुआ नहीं। फिर मेरी फुफो ने मन्नत उठाई थी कि मैं शादबाग में, एक इलाका है 2.5-3 किलोमीटर का हमारे घर से, उसका बनता है सफर, उन्होंने मन्नत मांगी थी कि अल्लाह मियां इस साल मेरी जो है भाई की बेगम को बच्चा दे, बच्ची दे, जो भी कोई औलाद दे, तो मैं दिया हाथ पे उठा के घर आऊंगी। तो वो आई थी, वो वसंतपुरे से शादबाग वो पैदल चल के हाथ में चलता दिया जलता रहा दिया, ये बड़ी मुश्किल से मैंने अल्लाह पाक से, मुझे पता था अगर मैं ढीली हुई तो ये सर पे चढ़ेगा, मैंने इसको सही जूती पे भी रखा, मैंने कहा मेरे बाल अब तक क्यों नहीं गिरे, जितनी मुझे जूतियां पड़ गई है ना उतना ही जूतियां पड़ी। पढ़ाई लिखाई में कैसे थे? नलायक तरीके, बंद कर दे यहां पर इंटरव्यू, बंद कर दे, ये बड़ा नलायक बच्चा पढ़ाई, इसका पढ़ाई में नहीं नलायक, बट्टों के खानदान के जितने लड़के हैं ना वो मैक्सिमम पढ़े हुए तो एमए पढ़े हुए हैं, जो सबसे ज्यादा पढ़ा हुआ ना लड़का वो एमए किया हुआ है। आप यकीन करो ये नलायक नहीं था, जब मैंने इसको इसका एडमिशन कराया ना शादबाग में था एजुकेटेड स्कूल, इस ये पहली में इसका इतना अच्छा रिजल्ट था, कप लेके आया, सबसे अकेले में खड़ी तालियां बजा रही थी, बस इसने कहा कि पढ़ सकता हूँ पढ़ूंगा नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं कभी लगा ना कोई इतना खास, मुझे किक नहीं मिली उस चीज़ से, मैंने किताब खोल ली मुझे नींद आ जानी, सर ने जाके तू तड़क करना तो हमने सर से ज्यादा तू तड़क कर देना, इसको मारना, इसके नाक से खून निकल, मैंने अकेले कमरे में बिठा के इसको पढ़ाना, मैंने खुद मैंने मारना, नाक से खून निकल रहा, इसकी फुफो ने कहा तेरे हाथ टूट जाए, मैंने कहा टूट जाए कोई बात नहीं, एडिया मुश्किल मौला को ले आया, खाना खराब करता, मार दी पई तेरे हाथ टूट जाए, मैं कहना कही जा, मैं अंदर इन्हें कुट कुट के पढ़ाया, इन्हें क्या नहीं मम्मा जी बस खानदान में तो जल्लाद माँ के नाम से फिर तो मशहूर होंगी। हाँ कहती हैं, सारे कहते हैं अल्लाह को लो मांग मांग के लिता मनता मरादा वाला बेड़ा गर्क, हाथ टूट जाने इन्ना मार दी, बहुत मैंने इस पर मेहनत की, बड़ा मारा बचपन से मारा, इसलिए कहा नहीं पढ़ना नहीं, वो आईकॉम बीकॉम का एंड बीकॉम तक मैं पहुंच गया, फिर भी घसीट घसीट के चले बीकॉम कर लिया। पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं तो किधर दिलचस्पी थी लड़कियों में? नहीं 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 ऐसा कोई सीन है, दिल लड़कियों दिलचस्पी नहीं थी, मुझे शुरू से ही जरा जिम वगैरह का शौक था क्योंकि सारे खानदान के अंदरून लाहौर से थे, मॉडलिंग का शौक था मुझे, फैशन का, खूबसूरती का, मॉडलिंग पे ये मॉडर्न बच्चे जैसे होते हैं, ये पैंट नहीं पहननी, ये शर्ट लेनी है वहाँ से लेनी, वहाँ से लेनी है, मैंने पूरी भी की सारी कि तू पढ़ ले अपनी ख्वाहिशें सारी पूरी कहीं, पढ़ने की तो फिर मार गई कि पढ़ना नहीं, इसका ध्यान था बहुत ज़्यादा नीट, बहुत ज़्यादा साफ सुथरा, फुल सर्दी में भी 3 दफ़े नहाना इसने, और 3 दफ़े कपड़े चेंज होने, वैस वगैरह उठाता रहता, सूखने डालता था, उठाता, ये काम इसके अभी भी है। तो खाने पीने का भी तो शौक जैसे आप बता रहे हैं बट्टों को बहुत ज्यादा होता है, तो आप खाने पीने की तरफ क्यों नहीं आए? खाने पीने का शौक इस तरह है, हाँ खाने का है, मुझे खिलाने का नहीं है, तो मैं इसलिए उस तरफ नहीं आया। और खाने पीने का शौक मेरा ऐसा है कि मैं पाए खाने फैसलाबाद भी गया हूँ, मैं सिर्फ पाए खाने गुजरांवाले भी गया हूँ सुबह 4-4 बजे उठ के, और आप लाहौर का कोई खाना ऐसा है आप अपनी फिंगर टिप पे मुझे बता दें, मैं आपको बता दूंगा वो कहाँ पर है, वो कितने बजे खुलता है, कितने बजे बंद होता है, मैंने हर जगह का खाया हुआ है। मेरे अब्बू ने जहाँ जहाँ से नाश्ते किए ना पाए शायद, मेरे अब्बू सुनाना अब्बू ये भी वहीं वहीं से इसने भी सारे खाए हुए, वैसे की वजह से वो खाने पीने का भी हमें शौक वो नहीं है, बर्गर शॉर्मे नहीं हम खाते, पाए मगज खाद बोंग जो भी खाना है जहाँ का खाना आपको वो हम सजेस्ट कर देंगे, हमने खाया हुआ। चलिए बाहर के खाने तो आपने खाए हुए हैं, अपनी अम्मी के हाथ का क्या पसंद है आपको सबसे ज्यादा? मामा को मैं इस चीज़ का जो है ना वो रिवॉर्ड दूंगा कि अगर मैं आज अपना एक बॉडी बिल्डिंग का काम चला रहा हूँ या मैं हल्का फुल्का सा खुद फिट हूँ ना तो वो अम्मा की वजह से ही हूँ। इन्होंने सुबह टाइम मेरा अलग नाश्ता होता है, इन सबसे अलग मेरा नाश्ता, दोपहर का खाना मेरा अलग डाइट वाला, रात का खाना मेरा अलग, अम्मा ने ही बनाना है वो ना अवैस बना सकता है ना कोई, मैं अगर शेफ भी रख लूँ ना तो वो भी नहीं बना सकता, अक जाएगा वो। मुझे अच्छा लगता है इसका ना बॉडी बिल्डिंग, अपनी खुराक पर ध्यान देना, ये अपनी फिटनेस पे नीटनेस पे हर चीज़ इसकी ये बना, सिर्फ एक शादी में ये नलायक का जूतियाँ खाता और एक ये पढ़ाई में नलायक था। शादी के हवाले से ये क्यों नलायक है?
इसको लड़की कोई पसंद नहीं आती, किसी को ये पसंद नहीं आता, बस इसकी नीयत नहीं है, इसमें भी जूतियाँ खाता है ना, हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही अभी। इनको जो पसंद आती है मुझे नहीं आती, मुझे कभी कोई शादो नादर पसंद आ जाए तो अल्लाह तवक्कल उसको मैं पसंद नहीं आता तो बस इसी वजह से जो है वो लेट होता जा रहा लेकिन अब मैंने इनसे टाइम मांगा है, डेडलाइन इन्होंने मुझे दी है बाबा ने और अम्मा ने कि दिसंबर जनवरी तक तेरी शादी कर देनी है, तूने अगर ढूंढ लेनी है तो ढूंढ ले। अब मैं कोई मतलब अलादीन का चिराग तो है नहीं है कि चार पाँच माह छः माह पीछे रह गए तो मैं उसमें लड़की ढूंढूँ और शादी भी कर लूँ उससे, या वो बैठी होगी जी रजब भट्ट साहब आएंगे उससे शादी कर लूँ, इन्होंने ही ढूंढनी है। तो देखते हैं इंशाल्लाह दिसंबर जनवरी तक का है, कोशिश यही है मेरी कि अब माशाल्लाह 28 साल का हो गया, ये 29वें साल में लग गया, खैर अब इसकी शादी की है, दिसंबर में लगूंगा 29वें साल में, आप मिनट मिनट से मेरे साल बढ़ाई जाओ। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है आपको लड़की पसंद हो, अंडरस्टैंडिंग भी हो, लड़की को टाइम चाहिए हो, इसलिए आप ये काम कर रहे हैं घर में डिले कर, ऐसा बिल्कुल हो सकता है लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना, ऐसा हो तो सकता है लेकिन हुआ नहीं, ये अजम्पशन के लिए ये ठीक है लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने बहुत ज़्यादा पाए 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 कर दिए, ठीक है उस वक्त मैंने आपसे पूछा नहीं, आप कह रहे हैं कि आपने हर जगह के पाए खा लिए, लेकिन अपनी मामा के हाथों के पाए के बारे में तो आपने हमें कुछ नहीं बताया। अम्मा के ना दरअसल पाए खाने वाले नहीं है, अम्मा को बनाने नहीं आते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अम्मा सारे खाने बहुत मज़े के बनाती हैं, मेरी डाइट का खाना बहुत मज़े का, मूंगी मसरों की दाल और चावल जो अम्मा बनाती है ना, अगर मैं इन फ्यूचर अम्मा को मैंने रेस्टोरेंट डाल दिया ना तो ये आपके चैनल पर मैं बता रहा हूँ, अम्मा जो है वो ना बस छोड़ दें, खत्म कर देंगी, बहुत मजे का बनाती हैं, लेकिन अब एक चीज नहीं आती तो वो बंदे को मुंह पे कहना चाहिए पाए, पाए अम्मा को सबको पसंद आती है, इस चावल को किसी को पसंद, इस बात पे भी जूती मारनी बनती है, जूती नहीं पड़ी है, पड़ी है, सब खाते हैं, सारे पसंद करते हैं, खालू लोग आते हैं खाना, मैंने हम लोग पाए खाए हुए हैं, ये कहते हैं ऐसे चिपक जाए पाए, घाट घाट के पाए खाए हुए हैं, पाए खाने के बाद अगर आपके होंठ और आपके हाथ चिपक ना जाए तो कह लो वो पाए नहीं है। तो अम्मा का अल्लाह अल्लाह का हुक्म से मैंने अम्मा को अच्छी अच्छी जगह से पाए ला के साफ करवा के ला कर दिए, लो जी बनाओ, अम्मा ने कभी मेरे मयार के पाए नहीं बनाए। हाँ इसको नहीं पसंद, बाकी सबको, बाकी हर चीज़ बहुत अच्छी बनाती है लेकिन पाए अम्मा के बस की बात नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि टिकटॉक से अगर हम 8-9 माह में स्विच करके यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो उस पर इतना प्यार मिलेगा। इसको मैंने क्या क्या मुझे ना वो शहजी ने कहा अम्मा आप इसको सारे मुझे अम्मा ही कहते हैं बच्चे अम्मा आप इसको कहें कि वो विलोगी, मैंने बड़ी मुश्किल से नाम सीखा था विलोगी, क्या नाम है आप तो सही कह बताओ ना, विलोगिंग, विलोगिंग पहले कहती थी विलोगिन विलोगिन नहीं आते थे नाम, मुझे शादी ने सिखाया फिर ना कि अम्मा कहे विलोगिंग, मैंने कहा एक दिन छोड़ के एक दिन मैं विलोग अपलोड करता हूँ, तो यकीन करें इतना लोगों ने प्यार दिया है, इतनी अच्छी रीच है कि मैं जो है ना वो अब मैं थोड़ा सा सुस्ती वाला बंदा हूँ, मैं शाम को उठता हूँ जिम चला जाता हूँ, काम शाम चल रहा है बस ठीक है ओके, अम्मा ने क्या क्या के झाड़ू मारे मुझे, उठ व्लॉग, शहजी का फोन आया उठ व्लॉग बना, उठ व्लॉग, मैं कहा जी क्या व्लॉग बनाऊँ, बस तू ये वीडियो शूडियो मैंने तेरे साथ नहीं बनानी, व्लॉग बना, उसने कसम से हम इसके पीछे पड़े हैं को 8-10 दिन हमने इसको अच्छा लानते डाली, फिर इसने बनाया व्लॉग बनाना, व्लॉग बनाना स्टार्ट किया, अम्मा का मकसद था व्लॉग बनाने से कि तू टिकटॉक की वीडियोस बनाता है, फेसबुक पे लगाता है, इंस्टा पे लगाता है, इतने फॉलोवर हैं तेरे, कभी कहीं से एक रुपया नहीं है, मेरी आदत नहीं है कि मैं वो जो है नेल पॉलिशों के, वो मुझे कहता था अम्मा बड़े पैसे बनते, नेल पॉलिशों के पीआर पकड़ लूं, टी शर्ट्स के पीआर पकड़ लूं, मेरे इंस्टाग्राम पे 80-90 हज़ार फॉलोवर है, मैं पीआर वगैरह पकड़ता ही नहीं इतने खास ना, तो मैं मुझे कभी घर पे एक दो बार इनके लिए गिफ्ट आया, कड़े शड़े बड़े प्यारे, एक लड़की ने भेजे थे, उसका कलेक्शन था इंस्टाग्राम की कलेक्शन थी उसने ना, तो लेडीज ज्वेलरी की उसने भेजे थे, तो मैंने मुझे वो अच्छा लगा उसकी उसको उसके पेज को भी प्रमोट कर दिया और अम्मा के लिए चीज़ भी एक आ गई, तो अम्मा ने कहना मैंने तेरे साथ अब वीडियो बनानी ही तब है जब पैसे आएंगे, पैसे तो आते नहीं है, शहजी ने कहा था अम्मा बड़े पैसे लोग कमा रहे हैं, तो काम खराब हो गया, व्लॉगिंग एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप स्टार्ट करते हैं आपका अपना एक चैनल है, आपको डेली फिर अपडेट करनी पड़ती है, लेकिन मैं डेली नहीं करता, एक दिन छोड़ के एक दिन मेरा फिक्स व्लॉग है वो आता ही आता है और लोग इंतजार करते हैं, मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन में चैनल मेरा मोनेटाइज हो गया, मेरा वॉच टाइम 18-19 दिन में 4000 घंटे मेरे पूरे हो गए, अब उसके बाद एग्जैक्ट 8 दिन बाद मुझे डॉलर्स आ गए, $2 आए, मैंने अम्मा को बताया, अब वो स्टार्टिंग है ना, अम्मा को पता नहीं था, मैं पूछा हाँ जी कितने पैसे आए हैं, मैं जी $2 फड़वे तेरी व्लॉगिंग, मैं नहीं कर दी तेरे नाल व्लॉगिंग, $2 मैं कोई लल्लियाँ नहीं बाल हाँ, 600 रुपया फड़ के तो मैंने कह रहा है व्लॉगिंग करो, तो ऐसा नहीं है कि पहला व्लॉग डाला है तो वहाँ से यूट्यूब की तरह से बाहर ग्रैंडी आगे खड़ी हो जाएगी कि ये ले भट्ट साहब ने व्लॉग बनाया, नहीं हंसे तो सारे थे जब टाइम लगेगा, तो अल्लाह का शुक्र है वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है, बना रहे हैं, देखें कहाँ तक बात जाती है और कहाँ तक हम बनाते हैं, हमको इतना खास रेगुलर नहीं है, किसी भी चीज़ को कभी इतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन ये है कि अभी फिलहाल रेगुलर हैं, कब तक रहते हैं इसका पता नहीं। अच्छा एक आखिरी बात बता दें, शादी के बाद भी इनको ऐसे ही जूतियाँ मारा करेंगी या बहू को ये इख्तियार दे देंगी? हाँ नहीं दोनों मिलके फिर डबल मार, मैं इसीलिए कर ही नहीं रहा,
चलिए, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। हम उम्मीद करते हैं कि हम जब अगली वीडियो आपके साथ करने आए तो आपके साथ आपकी बेगम भी मौजूद हों और आप दोनों से ही मार खा रहे हों और फिर हम उनका भी इनके साथ इंटरव्यू लें। बड़ी अच्छी दुआ दी आपने, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इन माँ बेटे की नोकझोंक पसंद आई होगी। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए देखते रहिए दस्तक टीवी।